हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और दिल से एक्सप्लोर में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं इस एपिसोड में एग्वाडाला फोर्ट, जो फोर्ट है यहाँ एक बहुत सुंदर फोर्ट है, वहाँ आपको दिखाने ले जा रहे हैं। तो देखिए क्या ही खूबसूरत यहाँ नज़ारा है। ये चर्च यहाँ पर है कैंडोलिम के पास, वहाँ हम बढ़ रहे हैं आगे। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, हल्की हल्की बारिश है और हल्की हल्की बारिश में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्या ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा है। सो गाइस अभी बीच रास्ते में एग्वाडाला फोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और टी ब्रेक विद यमी टमी फूड कोर्ट वेज एंड नॉन वेज। तो यहाँ पे हम टी ब्रेक लेंगे और साथ में कुछ फूड भी एंजॉय करेंगे। सो गाइस देखिए बारिश हो रही है और बारिश के इस मौसम में आगे बढ़ते हुए हम जर्नी का मतलब एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं जर्नी को। और चाय हमारी आ चुकी है, अब देखिए क्या ये मज़ा चाय के साथ आने वाला है इस मौसम में। सो गाइस दिस इज चिकन शवरमा इज इन फ्रंट ऑफ यू, यमी टमी फूड कोर्ट। सो गाइस चाय का लुत्फ आनंद उठाते हैं यमी टमी कैंडोलिम। और अनिता जी ने बताया अभी हमें कि चाय में थोड़ा सा मसाला ऐड होता है, गोवन टी। दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ गोवन टी, मैं जिसको टेस्ट करने जा रहा हूँ। नाइस टेस्ट मैम, थैंक यू वेरी मच सर। रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, दैट इज लाइक गोवन टी। I have a Goan tea. Very nice. So enjoy करते हैं चाय का, बारिश का आनंद लेते हैं, चाय enjoy करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं एग्वाडाला फोर्ट। और साथ में देखिए यहाँ पर आप बहुत ही शानदार शवरमा यहाँ बनाने जा रहे हैं अनिता जी के यहाँ पर यमी टमी कैंडोलिम में। आप आइए enjoy कीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से बन रहा है। So guys, see how they are preparing this shawarma roll. Oh, very nice. So guys, this is Goan shawarma roll. Ready to eat. Thank you, dear. Thank you.
गाइस अभी हमने एंजॉय किया यमी टमी फूड कोर्ट पर, बहुत ही अच्छा शवरमा और साथ में चाय। और अनीता जी को और मोहिद्दीन जैस मोहिद्दीन को थैंक्स बोलना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने आपके यहाँ शूट किया, हम रास्ते में थे, हमने मन किया आपके पास रुकने का, हम रुके, बहुत अच्छा बनाया आपने। थैंक यू वेरी मच एंड टू कम दिस प्लेस एंड प्लीज एंजॉय एंड गॉड ब्लेस थैंक यू वेरी मच अनीता जी। और ये बता दूं गाइस मैं आपको, एग्वाडा फोर्ट जाते हुए रास्ते में इनका ये यहाँ पे जो फूड का एक आउटलेट है यमी टमी, आप देख सकते हैं, यहाँ आप ज़रूर आएँ और एंजॉय करें फूड को रिजनेबल प्राइस में, और बहुत अच्छा फूड ये आपको मिल जाता है। यहाँ से सीधा आप जाएंगे तो आगे आएगा एग्वाडा फोर्ट, अगर वापस जाते हैं तो वापस जाएंगे आप कालंगूट की तरफ, तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। तो जो ये हमारा एक फूड का डेस्टिनेशन है यमी टमी, ये ऑपोजिट ताज होटल है, ताज होटल के ठीक सामने ये आपको मिल जाएगा, आप यहाँ आएँ और फूड का एंजॉय करें। सो थैंक यू, बाय बाय अनीता जी।